अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे पहले वाले वीडियो के एक्सटेंशन में कि हम अफ्रीका से यहाँ कैसे आए। ठीक है, अभी हम सब इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, धरती कैसे बनी, क्योंकि रिलेशनशिप है यूनिवर्स के बनने में, एक सिंगल सेल से इंसान के बनने में, हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तीन कारण बताए गए। देखिए, जब कोई भी इंसान होता है, जब कोई भी जानवर होगा, तो उसको तीन चीज़ों की ज़रूरत रही होगी। पहला तो उसको फूड की ज़रूरत रही होगी। ठीक है, तो उसको फूड की जरूरत थी। फूड, आबादी बढ़ रही थी अफ्रीका के, वहाँ पे सूखा पड़ रहा था, वहाँ फूड अवेलेबल नहीं था, तो उसको जाना पड़ा फूड के लिए। दूसरा, सिक्योरिटी फ्रॉम प्रीडेटर, जो हमले करने वाले जानवर हैं, दूसरे जानवरों ने हमला किया, उनसे रक्षा के लिए उसको जाना पड़ा। तीसरा, रिप्रोडक्शन, क्योंकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, अगली जनरेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन, जो मेल और फीमेल के एक प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जिससे अगली नस्ल आती है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कि ये तीन चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है, जो हम अनुमान लगा पाते हैं कि अफ्रीका से इंसान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इस पूरे ह्यूमन एवोल्यूशंस को समझना हो, हम कैसे ह्यूमन के एवोल्यूशंस को समझें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्ग फैमिली ट्रीज को देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा, हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम फैमिली ट्रीज बनाते हैं, ऊपर दादा दादी लगाते हैं, फिर मम्मी पापा लगाते हैं, एरो बनाते हैं। देखा आपने, ऊपर दादा दादी, फिर मम्मी पापा, फिर उसके बाद हम अपने को दिखाते हैं, फैमिली ट्रीज होता है। तो हमारा फैमिली ट्रीज क्या है, ये कह रहा है 6 से 7 मिलियन ईयर एगो, 60 से 70 साल पहले हम लोग सब लोग कहाँ पैदा हुए, जो ग्रास लैंड है, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। याद है ना आपको, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका कहाँ था, ये जो हम बात कर रहे थे वेस्ट, ये इस डायरेक्शन को हम वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम, और ये सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, ये सेंट्रल अफ्रीका है, वेस्ट अफ्रीका। यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, 60 से 70 लाख साल पहले, जो आज जैसे चाड जैसा देश है या कीनिया जैसा देश है, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है, हमारी फैमिली का ट्री का पहला जो हमारा एंसेस्टर होगा, हमारा पूर्वज वहीं से मिलेगा। और ये चीज़ें ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स या मिलेनिया ये हमें मिलते रही हैं, जैसे 2001 में हमें मिला है, वहाँ स्कल मिला, टीथ मिला, वो हमारी इस बात को प्रूव करता है। ह्यूमन की हिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तो हम सिर्फ ह्यूमन की हिस्ट्री देख रहे हैं, जो मॉडर्न ह्यूमन बना है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज ए कॉम्प्लिकेटेड वन। ये आपको अलग अलग स्कल्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है इनमें अंतर है, किसी के दांत अलग तरह के हैं, किसी का नोज अलग है, किसी का जबड़ा अलग है, आपको दिख रहा होगा, किसी का माथा फ्लैट है। ये क्या है, इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। मैं इसको बहुत सिंपल बनाने के लिए इस पर्टिकुलर पीरियड्स को छोड़ रहा हूँ। ये अलग अलग दौर हैं, ये अलग अलग काल है। ये आपको बोल सकते हो कि जो इंसान की ज़िंदगी है, तो अच्छा हमारी जो पूरी अर्थ है, अब हम एक मज़ेदार पीरियड में जाते हैं, जो हमारी पूरी अर्थ है, ये माना जाता है ये 4.6 अरब साल पुराना इतिहास है, 4.6 बिलियन ईयर। कितना होता है 4.6 बिलियन ईयर, ये कल्पना फिर एक आपको खुद करनी है। उस पूरे इतिहास में ये प्रोटोजोवा, यानी सिंगल सेल से लेके ये कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बनना, रेप्टाइल, फिशेज, यहाँ तक कि ये कॉम्प्लिकेटेड मैमल तक आने की जो कहानी है, अच्छा ये फिशेज, सबसे पहले फिशेज आई, फिर रेप्टाइल्स आई, फिर बर्ड आई, फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो हम इंसान हैं, मैमल्स हैं। ठीक है, मैमल्स जानते हैं ना आप लोग, हम लोग जो यहाँ तक आए, ये कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने बताया कि पूरी जो इंसान या धरती की ज़िंदगी है, जिस धरती में बिग बैन हम पढ़ेंगे, बिग बैन के बाद एक ब्लास्ट हुआ, बहुत आग का गोला था, बहुत गर्मी थी, धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर हिमेज आ गई, तो उसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो 4.6 मिलियन ईयर की जो कहानी है, उसके अलग अलग एज हैं, ये एज हैं, ये दौर हैं, उनको अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक ये 4-5 बड़े बड़े स्ट्रक्चर में बांटते हैं। हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो ये 4.6 बिलियन साल की जो पूरी की अर्थ है, इसमें 3 बिलियन साल पहले, लगभग 3 अरब साल पहले कुछ जिंदगी ऐसे शुरुआत हुई होगी। ये प्रोटोजोवा करके लिखा है, ये सिंगल सेल रहे होंगे, हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेल है इंसान, सिंगल सेल जो थे ये प्रोटोजोवा कुछ रहे होंगे। और ये कैसे बने, इसकी कहानी भी बड़े मज़ेदार है, क्योंकि जो यूनिसोलर थे, ये एक कोशीय थे, ये कैसे आए, क्योंकि उस समय धरती ऐसी बनी थी, धरती बहुत गर्म थी, सन से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसके कारण जिंदगी पॉसिबल नहीं थी धरती के ऊपर, किसी तरह की जिंदगी पॉसिबल नहीं। तो ये वैज्ञानिकों का अनुमान है, ऐसा वो मानते हैं कि जिंदगी पानी के अंदर शुरू हुई, तो 10-15 फीट नीचे गहरे पानी पे कहीं काई पैदा हुई होगी, जहां अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आती होंगी, और वहां से काई के फॉर्म में, सवाल के फॉर्म में, यूनिसेल के फॉर्म में लाइफ धीरे धीरे शुरुआत हुई। और उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ी हमारे इन्वायरमेंट में, हाइड्रोजन बढ़ी, वाटर वेपर बढ़ा, ऑक्सीजन से रिएक्शंस होके आपका ओजोन बना, ओजोन ने लेयर लाई, ओजोन लेयर बनी, जिससे अब अल्ट्रावायलेट किरणों से बचे, और एक पूरे धरती के चारों ओर एक कवच आया, उस कवच ने हमें सन की हीट से बचाया, बहुत ज़्यादा गर्मियों से बचाया। और ये अलग अलग पीरियड हैं,
तो ये जो पीरियड है 4.6 अरब साल का, पूरी धरती का जो हमारी धरती है उसमें से 3 अरब साल लगे हैं, ये पूरा जहाँ जहाँ आज हम खड़े हैं, हम मॉडर्न ह्यूमन जैसे दिख रहे हैं, ये 3 अरब साल का इतिहास है। तो इस 3 अरब साल के इतिहास को देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा रहा होगा जब गुरिल्ला, गिबन, ठीक है, ये ऐप, इनकी शक्ल के कुछ चैंपेंजी थे, ये 4 पैरों वाले कुछ एक जानवर थे, ये कुछ एक जो जानवर आए, धीरे धीरे यूनिसेलर से कॉम्प्लिकेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, तो अभी तक इंसान नहीं है। तो ये जो लोग थे, यहां से कुछ बताया जाता है 80 से 90 लाख साल पहले जो गुरिल्ला था, ये जो गुरिल्ला लोग थे, इनकी एक अलग ब्रांच हो गई। अब ये ब्रांच कैसे होती है, इसको हमारे एक बहुत ही क्लासिकल बुक है, ये दुनिया की वो किताब है जिसने दुनिया को बदल डाला। इस जब इससे पहले माना जाता था यूरोप में बाइबल, भारत में मनुस्मृति, ठीक है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग किताब थी, वो ये मानते थे कि भगवान ने इस धरती को बनाया है और उन्होंने सब ये इंटरप्रिटेशन इसके हिसाब से किया था। लेकिन जो ये किताब आई चार्ल्स डार्विन की, ये एक ब्रिटिश यानी अंग्रेज साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, आप क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राफर, जो भी आप बोलेंगे, उनकी जो ये बुक आई, इसने दुनिया में तहलका मचा दिया। इसने इसके बारे में लिखा गया है, नेस्ट टू द बाइबल नो वर्क, आपने बाइबल में पढ़ा होगा, उसमें कहा गया कि इंसान कैसे आया, वो 5वें दिन धरती बनाई भगवान ने, 6ठे दिन बनाया, 7वें दिन इंसान को बनाया, बोला आप सारे प्राकृतिक संसाधनों को पूरा करें, एडम और इब की कहानी सुनी होगी, ऐसे ही मोहम्मद ने, इब्राहिम ने, हवा और इस तरह की कुछ एक उनकी कहानी है, मनुस्मृति में ब्राह्मण को ऐसे बनाया, क्षत्रिय को ऐसे बनाया, मनु ने ऐसे बनाया। लेकिन जब ये कहानी आई तो ये लिखा है, नेक्स्ट टू द बाइबल नो वर्क हैज़ बीन क्वाइट एन इन्फ्लुएंसल इन वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन थॉट एज द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये जो किताब आई, इस किताब ने क्या किया, चार्ल्स डार्विन ने, इसने दुनिया को सोचने समझने का ढंग बदल दिया। और आज साइंटिफिक जो अलग अलग प्रूफ हैं, तो आज से 150 साल, लगभग 160 साल पहले लिखी ये किताब, आज भी उतनी ही रिलीवेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, ह्यूमन या सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है, इवोल्यूशन की प्रोसेस का मतलब ही है कि वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है पहला, और उसमें वो क्या करता है, एक क्रमिक विकास होता है, और इस क्रमिक विकास की प्रोसेस में जैसा भी एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट में अपने आप को वो बचाने की ओर चलता है। तो ये 80 लाख साल पहले की कभी कभी कहानी है, 80 या 70 लाख साल पहले की कहानी। हम ये मानते हैं कि जो हम अभी हमारे एक साथी हैं हर्षित, वो कहते हैं सर आप कहते हो कि बंदर से इंसान बना, लोग कहते हैं, लेकिन आप ये बताओ क्या इंसान से भी कभी बंदर बन सकता है? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मनुष्य बंदरों से विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि जो चिंपैंजी या बंदर जिनको हम कह रहे हैं, ये हमारे सबसे नज़दीकी जानवर है, या हमारे सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है, अगर मैं कहूँ, या मैं बोलूँ हमारे सबसे नज़दीकी पड़ोसी हैं। और क्योंकि मनुष्य और चिंपैंजी, ये मनुष्य और चिंपैंजी, इनके पूर्वज क्या थे, एक ही ब्रांच से निकले, यानी कि इनके पापा और इनके मम्मी पापा और इनके मम्मी पापा एक ही थे, ठीक है, ये हमें रिसर्च बताती है। तो 80 लाख साल पहले का लगभग ये कहानी है। और ये हम कैसे पता करते हैं, जो हमें फॉसल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, और जो अलग अलग हमने बॉडी, जो हमने अनुवांशिक, जिसको हम हेरिडेटरी बोलते हैं, जो उसको हमने स्टडीज़ किया है, इनके बॉडीज़ को, बॉडी के पार्ट्स को, इनके इवेल्युएशंस को, अलग अलग फॉसल मिले हैं, इसके बेसिस पे हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज ये किए हैं। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ क्या आई, मज़ेदार कहानी ये आई, अच्छा आप इसको ह्यूमनाइड्स भी बोलते हैं, ये सब ह्यूमन की जो नस्ल हैं, जो ह्यूमन बने हैं, और ये हम सब ह्यूमनाइड्स हैं, ये हमारा किस तरह से इवॉल्व हुए हैं वो दिखाया गया है। एक कहानी क्या आई, जब ये चिंपैंजी या ये पूर्व मानव, जो मानव की शुरुआत हम जिसको बोल रहे हैं, इसने जब खड़ा होकर चलना सीखा, आप देखिए जब ये इस तरह से चल रहा है तो इसके पैरों की ग्रिप अलग है और हाथ इस तरह से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये कुछ खड़ा होने लगा इसके हाथ मुड़ने लगे, और जैसे ही हाथों की ग्रिप बनी, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि अभी तक उसके हाथ पैर की तरह काम करते थे, वो चपटे होते थे। अब क्या हुआ, इसमें बड़ी मज़ेदार सी कहानी हुई, अगर आप देखें तो इंसान का सिर्फ जो ये इवोल्यूशन की जो हम थ्योरी बता रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला, अंगूठा उंगलियों से अलग जा रहा है, पकड़ने के ढंग अलग आए, तो आप अच्छी ग्रिप बना सकते थे, आप हथियार बना सकते थे, आप शिकार कर सकते थे, आप जानवरों को पाल सकते थे, आप एग्रीकल्चर कर सकते थे, तो ये भी इसका एक डेवलपमेंट है। ये हमें अलग अलग जो हमें बोन्स मिलती हैं, जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उसकी मदद से हमें पता चलता है। तो कहानी ये है कि 70 लाख साल पहले ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। ये अफ्रीका का मैप आपको दिख रहा है, अफ्रीका में जो ये एरियाज है, यहाँ पे ये, यहाँ आपको फॉसिल मिला है, और ये पूरी साइड है जहाँ पे रेंज ऑफ द स्पीसीज है। और पहला जो होमिनिन है, यानी वो चिंपैंजी जो हमारे पूर्वज जहाँ से आए हैं हम, और हमारे पूर्वज जहाँ से हैं, वो 70 लाख साल पहले की कहानी हमें यहाँ पे मिलता है।
और इसके आगे के जो दांत होते हैं, दांत भी मदद करते हैं, पूंछें मदद करती हैं, अलग अलग चीजें मदद करती हैं। हम आगे देखेंगे जो इसके टीथ है ना, आगे के कैनन टीथ, वो स्मॉलर थे अर्लियर ऐप से। शुरुआती ऐप क्योंकि मीट खाता था, कच्चा मीट। हमारे आगे के दांत किसी काम आते हैं? देखें आपने अपने आगे के दांत कभी आपने यूज करें? कभी नहीं करें। जब आप चिकन मटन खाते होंगे तभी आप मांस को फाड़ने के लिए यूज करते हैं। धीरे धीरे इसने और सारी चीज़ें सीखी होंगी तो इसके दांत जो थे आगे के, वो और जो इससे पहले वाले ऐप्स थे उनसे छोटे होने लगे। और सबसे मज़ेदार बात है, हमें ये चीज़ें मिलती हैं जब हमें फॉसल मिलते हैं। हमें कैसे पता चला? मैं जो कह रहा था कि ये कहानी बिल्कुल रेत में समुद्र के रेत के किनारे जो स्टेप्स हैं उनकी मदद से किसी कहानी को बनाने जैसी है। तो हमें जो थाई बोन मिली, हमें ये ऐसी मिली, अब पता चला कि इसकी थाई बोन खड़ी थी जब हमारे साइंटिस्टों ने, मेडिकल साइंटिस्टों ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारी चीज़ें पता करी, तो पता चला कि जो इसकी जो बोन है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़ी थी, ठीक है। और इसकी जो एबिलिटी थी वॉक, इसकी जो चलने की जो क्षमता थी, इसने बिल्कुल इंसान को बदल दिया। जो पहले वाले और सॉरी इंसान तो नहीं बोलेंगे हम, अभी इंसान नहीं बोलेंगे, जो हमें ये ह्यूमन एवोल्यूशन में जो हॉमिड्स बोल रहे हैं, इसने इसकी पूरी कहानी बदल दी। इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं।